Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा के साथ, और आज हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स की. आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे. मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और आप नहा धोकर बिल्कुल आप पढ़ने के लिए रेडी हो चुके होंगे. चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और स्टार्टिंग करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ जो कंप्यूटर जी हमें यहाँ पर दिखाएंगे. तो कंप्यूटर जी, मोटिवेशनल कोट को सामने लाया जाए. देखिए तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो क्या कहता है. इफ़ इट डज नॉट चैलेंज यू, इट वुड नॉट चैलेंज यू, इट वुड नॉट चेंज यू. मतलब अगर आपके सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप अपने आप को चेंज कैसे कर पाएंगे. चैलेंजेस आने से ही हमारी प्रतिभा निखरती है. चैलेंजेस आने से ही हमारे अंदर जो एक होता है ना, एक डेडिकेशन, वो सामने आता है. तो चैलेंजेस अच्छे हैं, और जितने टफ से टफ चैलेंज होंगे उतना ज़्यादा आप आगे निकल के सामने आओगे. भाई कहा गया ना कि गोल्ड को जितना भी गर्म करो उतना प्योर होता है. तो आप गोल्ड ही तो हैं, और आपको ये प्रेशर जो है ना वो गर्म कर रहा है, और आपको और प्योर होना है. अपनी सारी डिसेबिलिटीज, सारे जो आपके बुरी चीज़ें, उसको त्यागनी है आपको, और अच्छा करना है लाइफ में, है ना. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और दिखाते हैं आपको इंडेक्स, और इंडेक्स में क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं. समिट एंड कॉन्फ्रेंस से लेकर आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट तक हम पढ़ाएंगे. न्यूज़ काफ़ी ढेर सारी हमारे पास है. तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आपको हम देंगे. देखिए सबसे पहले हम समिट एंड कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, और यहाँ पर हम डिसेबिलिटी की समिट की हम बात करेंगे. देखिए जो भी यूनियन कैबिनेट अपॉइंट हुए हैं उन्होंने पहले पहले टाइम पर क्या क्या किया, हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल कल हमने राजनाथ सिंह की बात की थी आपसे ना, तो वैसे ही हम कुछ बात करेंगे आपसे. देखिए यहाँ पर तो हम थवरचंद गहलोत की बात करेंगे. थवरचंद गहलोत टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड GD समिट. अब सेकेंड GD समिट का मतलब क्या होता है, आइए आपको हम दिखाते हैं. यहाँ पर देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थवरचंद गहलोत विल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट टू बी हिल्ड एट ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना. यानी पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेकेंड ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट कहाँ पर हुई, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुई. और इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, तो इंडिया को थवरचंद गहलोत ने रिप्रेजेंट किया. थवरचंद गहलोत का पहला ये दौरा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस सेकेंड ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट कहाँ पर हुई, तो वो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुई. और कौन वहाँ पर गया, तो नाम आपको मालूम चल गया. इस समिट का ऑब्जेक्टिव था एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिसमें डिसेबिलिटीज़ वाले जो पर्सन हैं उनको खुलकर जीने की आज़ादी मिले, उन्हें काम करने का मौका मिले. तो ये सब इसका पूरा ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, तो आपको ये तो मालूम चल गया कि सेकेंड ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट कहाँ पर हुई और कौन गया. ठीक है, तो इतना क्लियर है हमें बस. ठीक है चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की करेंसी क्या है. तो इसकी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ कि आपको बस याद क्या करना है, CCC प्यूमा, चिली क्यूबा कोलंबिया, पेसो उरुग्वे, मैक्सिको अर्जेंटीना. तो अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, ये ट्रिक किसकी है, ये है पेसो की ट्रिक. ठीक, चिली क्यूबा कोलंबिया, फिलीपींस, उरुग्वे, मैक्सिको, अर्जेंटीना. तो अर्जेंटीना करेंसी क्या होगी, तो पेसो हो जाएगी. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, याद हो जाएगा आराम से. आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना के बारे में बात कर लें. तो अर्जेंटीना आपको यहाँ पर साउथ अमेरिका में दिखाई पड़ रहा है, चिली इसके बगल में है, उरुग्वे इसके बगल में है, पराग्वे और बोलीविया. तो बोलीविया, चिली, पराग्वे और उरुग्वे से घिरा हुआ ये देश है. ठीक है, और अगर आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पर, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना. तो अभी आपको मैंने बताया कि ये ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट कहाँ पर हुई, तो ये ब्यूनस आयर्स में हुई. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ब्यूनस आयर्स. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. चलिए तो ये पॉइंट हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं, और आपको अब एक क्वेश्चन पे और ले आते हैं. President of Argentina arrived in New Delhi on 17 February 2019 on a 3-day official visit to India. What is the name of President of Argentina? यानी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, ये आपसे पूछा गया. कैपिटल मालूम चल गई, करेंसी मालूम चल गई, अब प्रेसिडेंट कौन है उसकी बात कर लें. आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस में अर्जेंटीना शामिल होने वाला 72nd कंट्री बन गया है, 72वां देश बन गया है.
वैसे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मॉरिसियो मैक्री होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे, आज का हमारा दूसरा पॉइंट. ठीक है, देखिए गजेंद्र गिव अवे गंगा क्वेस्ट 19 अवार्ड. अब ये गजेंद्र कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हो रही है, कि जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं. तो आइए इनके बारे में हम बात करते हैं. तो गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. तो देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत का भी एज अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ये पहला बड़ा इवेंट था, इसलिए ये न्यूज़ आपके सामने आई है. मे बी क्वेश्चन घुमा के पूछ लो कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने सबसे पहला इवेंट क्या किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और इन्होंने वहां पर गंगा क्वेस्ट 2019 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए. बस इतना आपको पढ़ना है. तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने क्या किया, तो इन्होंने गंगा क्वेस्ट एक अवार्ड मतलब होस्ट किया था, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं उन्होंने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए. ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का जो पहला बड़ा इवेंट है वो मैं आपको यहाँ पर दे सकूँ, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन कर ले जाएं. चलिए अब यहीं पर एक क्वेश्चन है. विथ विच ऑर्गेनाइजेशन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज साइंड एन MOU टू वर्क ऑन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. यानी किस संगठन के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा की सहायक नदियों पर काम करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन SCL फाउंडेशन है. मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको क्वेश्चन. तो SCL फाउंडेशन इज राइट आंसर जो आप यहां पर देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक क्वेश्चन की बात और करते हैं. नेम द क्रिकेटर हु इज द एंबेसडर फॉर क्लीन गंगा. यानी उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो कि एंबेसडर है क्लीन गंगा के लिए. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर इज राइट आंसर. ये भी याद कर लीजिएगा, मे भी शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको यहां पर हमने बता दिया. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के तीसरे न्यूज की. हम तीसरे न्यूज पर पहुंच चुके हैं, ध्यान देना. चलिए टेरी जोन्स विंस लिटरेसी अवार्ड फॉर हर नॉवल. टेरी जोन्स ने अपने उपन्यास के लिए एक साहित्यिक पुरस्कार जीता. इनकी उपन्यास का नाम क्या है? एन अमेरिकन मैरिज. ये देख लीजिए यहां पर लिखा भी हुआ, इनका नाम भी दिया हुआ. ठीक है, आगे देखते हैं. टेरी जोन्स वॉन द वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन, वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन ऑन 5 जून विथ एन अमेरिकन मैरिज. इनके नॉवल का नाम क्या है? अमेरिकन मैरिज. इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन. ये काफ़ी प्रेस्टिजियस प्राइज है. ठीक, मिला. और क्यों मिला? इन्होंने एक्चुअली अपने बुक में अमेरिकन US जुडिशियल सिस्टम के द्वारा अलग किए गए परिवारों की कहानी को इसमें लिखा है. ठीक है, तो देखिए हर स्टोरी ऑफ अ फैमिली टॉर्न अपार्ट बाई द US जुडिशियल सिस्टम. इतना ही पढ़ना है आपको, इतना ही पढ़ना है, इससे याद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. बिकॉज सेकेंड लाइन में ये बोला गया है कि इन्होंने अच्छे अच्छे ऑथर को बीट किया और वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन का अवार्ड जीता. टेरी जोन्स है, इनकी नॉवल का नाम है एन अमेरिकन मैरिज. इतना ही काफ़ी पढ़ना है बस, और नहीं पढ़ना है आपको, सब भावनाओं को समझने वाली बात है. ठीक है, चलिए ये बताया गया कि एन अमेरिकन मैरिज इज जोन्स 4th नॉवल. मे बी क्वेश्चन बन जाए तो ये 4th नॉवल था उनका, बट द फर्स्ट टू बी पब्लिश इन ब्रिटेन. लेकिन ब्रिटेन में पब्लिश होने वाला ये पहला नॉवल था, तो 4th नॉवल था ये भी याद कर लीजिएगा. मे बी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ ले. ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन यहाँ पर. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019. निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? तो ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा CEO ऑफ गूगल सुंदर पिचाई. सुंदर पिचाई ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. एक क्वेश्चन और. हु वॉन द 2019 नाइन डॉट्स प्राइज फॉर द एसे ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस. निबंध ब्रेड सीमेंट कैक्टस के लिए 2019 नाइन डॉट पुरस्कार किसने जीता? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. तो इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा एनी जदी ऑप्शन नंबर 5. कोई नई न्यूज़ नहीं है आपको बताया, रिवीजन वाला पॉइंट है ये सब. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बिजनेस इकॉनमी की बात करते हैं, मतलब कि आज के चौथे न्यूज़ की बात करते हैं. तो बिजनेस इकॉनमी में हम बात करेंगे आज के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो किस पर बेस है? मॉनेटरी पॉलिसी पर. आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी को फिर से कम कर दिया. जहां तक मुझे लग रहा था कि ये होगा नहीं, बट ये हुआ और लगातार तीसरी बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम किया है. आइए उस पर बात करते हैं. देखिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अनएनिमसली कट रेपो रेट द रेट एट विच इट लेंड टू बैंक बाई 25 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 6% टू 5.75%. ये बेसिस पॉइंट क्या होता है? ये बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट में घटना या बढ़ना दिखाता है. मतलब आप देख रहे हैं कि रेपो रेट पहले 6% था, अब इसे 5.75% कर दिया गया. तो आप क्या बोलेंगे कि 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया रेपो रेट. अगर यही रेपो रेट 6% था और ये 6.25 होता, आप क्या बोलते कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया. तो आप याद रखिए रेपो रेट 5.75% हो गया.
अब रेपो रेट कम होगा तो रिवर्स रेपो रेट भी कम होगा, और रिवर्स रेपो रेट 5.5% पर आ गया है, बैंक रेट और MSF 6% पर आ गए हैं। तो ये सब चेंजेस हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम किया है। अब इस रेपो रेट को कम करने से क्या होगा, रेपो रेट होता क्या है, ये वो रेट है जिस रेट पर बैंक RBI से लोन लेते हैं, लोन लेके अपने कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब रेपो रेट कम होगा तो बैंक भी अपने कस्टमर का इंटरेस्ट कम करेंगे लोन का, और जब कस्टमर का इंटरेस्ट कम होगा तो कस्टमर लोन लेंगे, और जब वो लोन लेंगे तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा, और मनी का फ्लो बढ़ेगा तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स बढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, स्टार्टअप बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ये तो होना ही होना है फिलहाल। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि रेपो रेट को क्या 5.75% कर दिया गया है, रिवर्स रेपो रेट 5.5 हो गया है, बैंक रेट और MSF 6% हो गए हैं, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई है, अगर जो बच्चे नए हैं जो मुझको देख रहे हैं अभी, तो आप एक बार मॉनेटरी पॉलिसी बाई अभिजीत सर यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो इतना पॉइंट क्लियर होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेट आपको लिखवा दिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR में कोई चेंजेस नहीं हुए, CRR 4%, SLR 19%, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो सारे रेट आप देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए ज़रूरी है। एक क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज कॉल्ड, यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं। मतलब रेपो रेट फॉर एग्जाम्पल 5.75% है, और रिवर्स रेपो रेट 5.5% है, मतलब दोनों के बीच में 0.25% का गैप है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम LAF कॉरिडोर बोलते हैं, याद कर लीजिएगा जो बच्चे, LAF कॉरिडोर। और जो बच्चे बिल्कुल भी मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं समझते हैं, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो LAF कॉरिडोर इज राइट आंसर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज रेपो रेट ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, हमेशा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा क्यों होता है। तो एक बात समझिएगा, जैसे देखिए यहां पर है SBI, यहां पर है PNB, और यहां पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो होता क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक अपना एक्सेस मनी RBI के पास डिपॉजिट करते हैं। अब PNB ने 1 करोड़ रुपए RBI के पास डिपॉजिट कर दिए, अब PNB ने रिवर्स रेपो रेट पे डिपॉजिट किए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5.5% का इंटरेस्ट देगा PNB को, यही होगा ना। अब 1 करोड़ RBI के पास आ गए, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेपो रेट पर SBI को लोन दे देगा, वही सेम 1 करोड़ रुपए, और SBI RBI को 5.75% का इंटरेस्ट देगा SBI RBI को। तो RBI ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन RBI का 0.25% का प्रॉफिट हो गया। तो RBI को प्रॉफिट कैसे होता है, ऐसे तो होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल नॉट गिव मोर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं डिस्टर्ब करने के लिए, भाई दुश्मनी क्या है, हमसे नहीं तो बच्चों से तो मत करो ना ये सब चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिक पॉइंट पर। ऑलरेडी कई बार आपको दिया जा चुका है ये। तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, RBI का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1 अप्रैल 1935 है, ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 100% स्टेक है, और प्रेजेंटली जो अभी गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़े अगर हम, तो सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में कौन कौन सी सब्सिडरीज वर्क करती हैं, तो DICGC, BRB, NMPL और REBIT, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो हमारे PDF में सारे पॉइंट होंगे, आप PDF से देख लीजिएगा, ताकि आपको मतलब यहाँ पे ज़्यादा टाइम दिलाना पड़े, छोटे छोटे पॉइंट हैं आपको याद हो जाएंगे सारे पॉइंट, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए, और अगर आपको RBI पढ़ना है तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप YouTube पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिसेंट बिजनेस और इकोनॉमी न्यूज़ 2019, मतलब एक रिवीजन की बात करें तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 2018-19 में बैंकों में 6,800 केसेस फ्रॉड किए आए हैं, जिसपे 71,500 करोड़ का फ्रॉड हुआ है बैंकों के साथ। तो ये न्यूज़ तो आपको पता ही है, एक तरह का आपका रिवीजन हो गया है ना। अगर दूसरी बात करें तो अभी सेबी ने बताया है कि हमारे देश में ओवरसीज इन्वेस्टर, मतलब जो देश के बाहर के इन्वेस्टर हैं, इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है हमारे देश के कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, जहां पर बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, शेयर्स होते हैं। ऑलरेडी कैपिटल मार्केट की भी क्लास मैंने YouTube पे ली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए हम लेके यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिटेड बैंक,
to accept Aadhaar number for know your customer verification with the consent of the customers. मतलब RBI ने बोला हुआ है बैंकों से कि जब तक कस्टमर का मन नहीं है आप उन्हें KYC के लिए आधार कार्ड के लिए आप पाबंदी लगा नहीं सकते हो कि वही दो. कस्टमर का राइट है कि वो क्या देना चाहता है, वॉलंट्री उनका राइट है. ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. आगे बढ़ते हैं और बिजनेस और इकॉनमी में नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं. तो गवर्नमेंट टू बॉल्स्टर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी सरकार. इसके लिए सरकार ने क्या किया है, आइए हम वो समझाते हैं आपको. देखिए, Prime Minister ordered the formation of two new cabinet committee that will focus on employment and economic growth. तो Prime Minister जी ने बोला है कि हमारे देश में दो कमेटी बनेगी, दो कैबिनेट कमेटी बनेगी, और ये कैबिनेट कमेटी का वर्क क्या होगा, एक काम करेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और एक काम करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, दो न्यू कैबिनेट कमेटी बनाई जा रही है वो किस पे वर्क करेंगे, तो एक एम्प्लॉयमेंट पे और एक आपके इकोनॉमिक ग्रोथ पर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले छोटा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपको ये याद करना पड़ेगा. मतलब नॉर्मली हमारे देश में सिक्स कैबिनेट कमेटी होती हैं, लेकिन अगर ये दो ऐड हो जाएंगी तो हमारे देश में 8 कैबिनेट कमेटी हो जाएंगी, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है आपको. देखिए यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैबिनेट कमेटी, तो इसमें से कौन सा कैबिनेट कमेटी में नहीं आता है ये आपसे पूछा गया. तो याद रखिएगा, लोक शिकायत मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन पब्लिक ग्रीवांसेस, ये कैबिनेट कमेटी में नहीं आता. देखो, देयर आर सिक्स कैबिनेट कमेटी होती हैं. कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ये सिक्स कैबिनेट कमेटी होती हैं, लेकिन अभी दो और बढ़कर 8 हो जाएंगी, तो ये भी आपको लर्न करना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. बिजनेस इकोनॉमी में एक और न्यूज़ लेके आते हैं. देखिए, एक बात मैं आपको समझा दूँ, हमारे देश में जितना पैसा पब्लिक के पास है, अगर वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाए, अगर वो फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए, अगर वो गवर्नमेंट के पास आ जाए, तो गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है. तो 2005 के बाद हमारे देश में खूब बैंक्स खुले, अकाउंट्स खोले गए और लोगों को बैंकों से जोड़ा गया. लेकिन अभी कैसे पब्लिक का पैसा लाया जाए और लाया जाए, तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट जो आपका एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी वो इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ेगी. आप देख लीजिएगा, आज नहीं 2 साल बाद आप देखना, ये मेरी भविष्यवाणी और ये होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, LIC ने अभी 8,000 वैकेंसीज लॉन्च की है ना, तो ये एक शुरुआत है. देखिए यहां पर, गवर्नमेंट में अनाउंस इन्फ्यूजन ऑफ 4,000 करोड़ इन PSU. PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो कौन सी PSU, उसकी बात कर ले यहां पर. देखिए, द गवर्नमेंट इज लाइकली टू अनाउंस इन्फ्यूजन ऑफ अबाउट 4,000 करोड़ इन 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी. 3 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भारत सरकार 4,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाली है. और ये कंपनी कौन कौन सी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी. तो NIC, OIC और UIIC, इन 3 कंपनी में 4,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्यूज करने वाली है. देख लीजिए, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है. ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, भावनाओं को समझने वाली बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहां पे है, ये आपसे पूछा गया है. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पर, इसका आंसर होगा कोलकाता. ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता इज राइट आंसर. तो हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कहां पे है, कोलकाता में है, तो ये तो याद होगा आप लोग को. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. The tagline of the Oriental Insurance Company Limited is, Oriental Insurance Company की tagline क्या है, तो ये मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. आगे बढ़े और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, पॉइंट है. रिसेंटली अपॉइंटेड अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अदर कंट्री, मतलब कि जो भी इंडिया से अदर कंट्रीज में अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनकी पहली लिस्ट आपको हम दे रहे हैं. हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको ये लिस्ट हम देते रहें ताकि आपको याद करने में ईजी हो जाए. ठीक है, तो रिसेंटली अपॉइंटेड अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अदर कंट्रीज. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. यहाँ पर अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की हम बात करेंगे और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको हम दे सकते हैं. तो पहला पॉइंट यहाँ पर, तो अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके हैं. इनका पूरा नाम क्या है, पूरे नाम के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. थाईलैंड के हम नए प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं. देखिए, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रयुत चान ओचा.
चाचा हाँ प्रयुत चानुचा चाचा मतलब कुछ कहानी बना लीजिएगा कि चाचा हमारे थाईलैंड में गए इस तरह से तो आपको याद हो जाएगा. तो प्रयुत चान ओ चा जो हैं ये थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, इतना बस आपको याद करना है, ठीक है, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हाँ ठीक है, तो प्रयुत चान ओ चा की बात करें तो इनके पार्टी का नाम क्या है, इनके पार्टी का नाम है पलांग प्रचारत पार्टी. पलंग प्रचारक पार्टी ये उसको लीड करेंगे, ये गवर्नमेंट बनेगी, मतलब इसके से हमारे यहाँ अभी एनडीए की गवर्नमेंट है तो वैसे ही आपको ये चीज़ यहाँ पे मैंने बता दी, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर हम थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड आपको हमारे मैप में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जो कि कंबोडिया वियतनाम लाओस म्यांमार से घिरा हुआ देश है, ठीक. तो अगर हम थाईलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चान ओ चा बन चुके हैं. अगर कैपिटल की बात करें तो बैंकॉक है और करेंसी की बात करें तो बहुत है, तो ये पॉइंट करेंसी कैपिटल आपको लर्न ही होगा अच्छे से. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे ले चलते हैं. रिवीजन वाला पॉइंट है तो आपको बताया गया था कि डिप्टी स्पीकर वीपी शिवा कोलोंधु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द पौंडीचेरी असेंबली. तो पौंडीचेरी असेंबली के नए डिप्टी स्पीकर कौन अपॉइंट हुए हैं उनका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है. साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राकेश मखीजा का अपॉइंटमेंट स्वीकार कर लिया है एज द चेयरमैन ऑफ द एक्सिस बैंक. ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रिविजन पॉइंट है आपका. आगे बात करें तो स्पाइस जेट चेयरमैन एंड एमडी अजय सिंह वाज इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA. ये भी न्यूज आपको पता ही है, रिवीजन पॉइंट के लिए अच्छी बात है ये. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने इंटरनेशनल अफेयर्स की. तो इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं हम उसकी बात कर ले यहाँ पे. देखिए तो चाइना की बात करते हैं, चाइना अमेरिका और रशिया के बाद पूरे वर्ल्ड का तीसरा देश बन गया है जो कि समुद्र से भी रॉकेट लॉन्च कर सकता है. रॉकेट का मतलब हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, हालांकि चाइना ने तो अभी स्मॉल सैटेलाइट ही लॉन्च किए हैं बट चाइना एबल हो चुका है, तीसरा देश बन चुका है. तो चाइना लॉन्चेस रॉकेट फ्रॉम शिप एट सी. आइए इसके बारे में बात करें तो चाइना सक्सेसफुली लॉन्च अ रॉकेट फ्रॉम अ शिप एट अ सी फॉर द फर्स्ट टाइम. ये मैंने बोला ना कि चाइना तीसरे नंबर का पूरे वर्ल्ड में देश बन गया है. द लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट ब्लास्टेड ऑफ फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म ऑन अ लार्ज सेमी सबमरीन बार्ज इन द येलो सी. ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप चाइना का नाम याद रखिए. चाइना तीसरे नंबर का देश बन गया है जिसने कि शिप से मतलब कि समुद्र में से रॉकेट को लॉन्च किया, इतना बस पढ़िए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर एक पॉइंट की बात हम और करेंगे. हम बात करेंगे प्रमिला जयपाल की. तो प्रमिला जयपाल टू प्रिसाइड ओवर US हाउस. तो अमेरिकी संसद की अध्यक्षता करेंगी प्रमिला जयपाल. बीइंग अ इंडियन हमारे लिए प्राउड का विषय है. आइए इसके बारे में बात करते हैं. देखिए इंडियन अमेरिकन कांग्रेस वुमेन प्रमिला जयपाल हिल्ड द स्पीकर गैवल बिकमिंग द फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. तो US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लीड करेंगी इंडियन अमेरिकन प्रमिला जयपाल जो कि एक अमेरिकन कांग्रेस वुमेन है और ये फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन भी बन गई हैं. फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लीड करेंगी ये. इनका नाम क्या है, प्रमिला जयपाल है. तो इतना याद रखिए, ये आपको पॉइंट याद करने की ज़रूरत है. ठीक है, ये सब पॉइंट हमारे PDF में है, अगर आपको कॉन्सेप्ट और डीप में जानना है तो देख सकते हैं. हालांकि आपके एग्जाम के लेवल पे ऐसे क्वेश्चन नीचे वाले नहीं बनेंगे, तो मोटे मोटे पॉइंट याद रखिए, बस उतना ही जरूरी है आपके लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक क्वेश्चन की बात करते हैं. इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट इज. तो भारतीय वायुसेना में महिला पायलटों का पहला बैच जो शामिल हुआ उसमें कौन कौन लोग हैं. तो मोहना सिंह भी हैं, भावना कांत भी हैं, अवनी चतुर्वेदी भी हैं, मतलब उपरोक्त सभी. ये याद कर लीजिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वर्ल्ड फर्स्ट एक्सक्लूसिव वुमेन्स क्रिकेट मैगजीन, नाम बताना है आपको, हैज़ रिलीज. विश्व की पहली विशेष महिला क्रिकेट पत्रिका को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ. इसका नाम क्या है, क्रिक जोन. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स में नेक्स्ट न्यूज़ की. तो फेसबुक विल लॉन्च इट्स क्रिप्टो करेंसी दिस मंथ. तो इस महीने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है फेसबुक, ये बताया गया है. आपको मैंने बताया था कि जिनेवा में इन्होंने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन लिया था. आइए बात करते हैं ग्लोबल क्वाइन के बारे में. तो फेसबुक रिपोर्टेडली बी अनविलिंग दिस करेंसी दिस मंथ, मतलब फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस मंथ में लॉन्च कर सकता है. और इसकी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, ग्लोबल क्वाइन.
इतना आप याद रखिएगा, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, ग्लोबल क्वाइन। देखो अब न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्च करेगा तो न्यूज़ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि फेसबुक के क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, ग्लोबल क्वाइन। तो आपके सामने ये न्यूज़ आ चुकी है और आपको इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये बताया गया है कि FB प्लान टू लॉन्च अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूजिंग क्रिप्टो करेंसी इन 12 कंट्रीज बाई द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। देखिए अभी ये जब लॉन्च होगा तो ऑलरेडी करंट अफेयर्स में आ जाएगा, अभी लॉन्च तो हुआ नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको ग्लोबल क्वाइन का नाम आपके सामने रहना, ताकि आपको चीज़ें लर्न रहे, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, रिसेंटली फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी ATM वॉज ओपन इन बैंगलोर सिटी, वॉट इज द नेम ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। तो अभी हमारे बेंगलुरु में एक क्रिप्टो करेंसी ATM को इंस्टॉल किया गया, उस क्रिप्टो करेंसी ATM का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया, इस कंपनी का नाम क्या ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो करंट अफेयर्स का पॉइंट है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यूनोकॉइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, यूनोकॉइन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए यहाँ पर यूनोकॉइन के बारे में बताया गया है, यूनोकॉइन इज द नेम ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी विच ओपन्ड द फर्स्ट वर्चुअल करेंसी ATM इन बेंगलुरु, तो ये आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक क्वेश्चन पे और ले चलते हैं। बिटकॉइन अ काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है जो कि किस ईयर में पहली बार पूरे वर्ल्ड में आया था। तो अगर ऐसे हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 2009। तो 2009 जो है इसका सही आंसर है। कंप्यूटर जी देख रहे हैं यहाँ बरसात हो रही है। अरे पढ़ लो, तुम लोग भी पढ़ लो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब कोई दुश्मनी है हमसे, मेरा चेहरा पसंद नहीं है क्या है। आइए बात करते हैं यहाँ पर, तो बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने दी है, ठीक है, वो हमारे PDF में होगा, आप देख लीजिएगा इसे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, MCQ भी है आज, तो MCQ के लिए आपको रुकना पड़ेगा। चलिए नेशनल अफेयर्स की अब बात करेंगे, नेशनल अफेयर्स में कौन कौन से पॉइंट हैं, देखिए यहाँ पर एयर इंडिया सब्सिडरी कॉमन्स फ्रॉम झारसुगड़ा, तो एयर इंडिया के अंडर में काम करने वाली एक कंपनी है, नाम उसका हम बताएंगे, जिसने अपनी सेवाएं अपनी सर्विसेज झारसुगड़ा एयरपोर्ट से शुरू की। अब ये झारसुगड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे है, इससे आपका स्टैटिक पॉइंट भी अच्छा हो जाएगा। देखिए तो एयर इंडिया सब्सिडरी एलियंस एयर नाम है इसका, इस एयरक्राफ्ट का स्टार्टेड 2 न्यू फ्लाइट फ्रॉम ओडिशा वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट इन झारसुगड़ा। देखो झारसुगड़ा एयरपोर्ट का नाम ये चेंज भी हुआ है, वीर सुरेंद्र साई, तो ये भी आपको लर्न करना है, और ओडिशा में है ये तो आपको मालूम चल गया, ठीक। द 2 न्यू फ्लाइट विल कनेक्ट झारसुगड़ा विथ भुवनेश्वर एंड छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर, तो दो जगह के लिए फ्लाइट शुरू हुई है, एक भुवनेश्वर के लिए और एक रायपुर के लिए, ठीक है। तो झारसुगड़ा एयरपोर्ट का नाम क्या बदला है, तो वीर सुरेंद्र साईं है, तो ये भी याद करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओडिशा की हम बात कर रहे हैं और दो फ्लाइट कहाँ की लॉन्च हुई है, एक भुवनेश्वर के लिए और एक आपके रायपुर के लिए, ठीक है, इतना याद करना है बस, और याद नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ पर ये बताया गया कि द 2 फ्लाइट वेयर लॉन्च अंडर द सेंटर्स उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, तो ये दोनों जो सर्विसेज हैं वो उड़ान स्कीम के तहत लॉन्च की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर एयर इंडिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो एयर इंडिया को 15 अक्टूबर को फाउंड किया गया है, और एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी कौन है, तो एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, देखिए यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस पहली कंपनी और एलियंस एयर दूसरी कंपनी, हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका आप देख पा रहे हैं, और अगर की पीपल की बात करें तो अश्विनी लोहानी चेयरमैन और MD हैं। देखो अश्विनी लोहानी का नाम सामने आया है, अश्विनी लोहानी इसके पहले रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन थे, लेकिन अब वो एयर इंडिया के चेयरपर्सन हैं, ये भी न्यूज़ नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, नया न्यूज़ है तो याद करना जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ब्रांड मार्केटिंग बाय द रिलायंस ओन्ड फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म AJIO.com इन मार्च 2019। मतलब कि रिलायंस कंपनी की जो अपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है AJIO.com, उसके हेड ऑफ ब्रांड मार्केटिंग कौन अपॉइंट हुए, तो यहां पर 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर है इसका। यहां पे समीर कह रहा है कि सर CGL वालों ने आपके क्वेश्चन को कॉपी किया है, नहीं मेरे क्वेश्चन कॉपी नहीं किया है, एग्जैक्टली मैं लेफ्ट हैंडर हूं, और मैं लेफ्ट हैंडर हूं, क्या बोला गया, लेफ्टी ऑलवेज लकी, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो लक है वो आपको मिले, आपको आपके एग्जाम में आए। चलिए इसका आंसर अनीता देवराज मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मर्जर और एक्विजिशन की. मर्जर और एक्विजिशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर, तो विप्रो टू एक्वायर यूएस बेस्ड आईटीआई फॉर 312 करोड़ रुपीज़. तो यूएस की कंपनी आईटीआई जिसको विप्रो एक्वायर कर रहा है 312 करोड़ रुपए में. देखिए क्या न्यूज़ पूरी है, देखिए यहाँ पर, विप्रो विल एक्वायर यूएस बेस्ड इंटरनेशनल टेक ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड आईटीआई इंटरनेशनल टेक ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड फॉर $45 मिलियन जो कि 312 करोड़ के बराबर है. नियर अबाउट $45 मिलियन बोलो या 312 करोड़ बोलो, विप्रो कंपनी इंटरनेशनल टेक ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड को एक्वायर कर रहा है. तो इतना आपको लर्न करना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है. ये सब भावनाओं को समझने वाली बात है, ठीक. तो विप्रो इंटरनेशनल टेक ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड मीन्स आईटीआई को एक्वायर कर रहा है $45 मिलियन में या 312 करोड़ रुपीज़ में. इतना आपको याद करना है और कुछ मत पढ़िएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और ठीक है, ये सब भावनाओं को समझने वाली बात है. देखिए विप्रो की बात करें तो विप्रो को 1945 में फाउंड किया गया. फाउंडर थे मोहम्मद हाशिम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी के पिताजी थे ये. हेडक्वार्टर बेंगलोर में इसका है और अजीम प्रेम जी चेयरमैन हैं और अबिदाली नीमचवाला सीईओ हैं विप्रो के, ठीक है. तो ये भी याद आपको हो जाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी. यहाँ पर कुछ पॉइंट की अगर हम बात करें, कुछ देशों की हम बात करें तो यूके, इटली, इसराइल, जर्मनी, हमने इनकी कैपिटल और करेंसी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट सबके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं. हालांकि थेरेसा मे ने रिज़ाइन करने की बात कर दी है, ठीक है. तो ये देख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं और कमेटी और रिकमेंडेशन की बात करते हैं. कमेटी और रिकमेंडेशन में आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं, देखिए यहाँ पर. तो सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट 8 कैबिनेट कमेटी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपसे कि 8 कैबिनेट कमेटी बनाई जाएगी. यहाँ पर देखिए, तो पीएम मोदी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड 8 की कैबिनेट कमेटी इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट कमेटी, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सिक्योरिटी अमंग अदर. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 8 कमेटी बनाई जाएंगी. अच्छा, मोदी इज़ द पार्ट ऑफ 6 कमेटी, अमित शाह इज द पार्ट ऑफ द ऑल कैबिनेट कमेटी, निर्मला सीतारमन इज अ पार्ट ऑफ ऑल कमेटी एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट कमेटी. तो ये भी कुछ पॉइंट हम नेक्स्ट आपको बता दिए हैं. फिलहाल आपको लर्न करना है कि 8 कैबिनेट कमेटी बनेगी, जिसके बारे में आपसे बता रहा था, ठीक है. इतना याद रखिए आप. आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए टास्क फोर्स टू सजेस्ट पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट इन कॉर्पोरेटेड लोन्स. आरबीआई ने सेकेंडरी मार्केट के लिए कमेटी बनाई है, एक टास्क फोर्स बनाया है और इस कमेटी को लीड करेंगे कौन, कैनरा बैंक के चेयरमैन टीएन मनोहरन. मैं ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ आपको, तो इतना पॉइंट आपको लर्न करना है. और देख लीजिए यहाँ पर कमेटीज़ के हमने कुछ रिविज़न पॉइंट आपको दिए हैं, हमारे पीडीएफ से देख लीजिएगा. थोड़ा सा आगे चलना है बिकॉज टाइम थोड़ा कम है और न्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है. देखिए तो यहाँ पर हमने पूरे रिविज़न पॉइंट दिए हैं कमेटीज़ के, आप देख लीजिएगा आराम से, हमारे पीडीएफ में होगा ये, ठीक है. चलिए अब एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात करते हैं, ढेर सारे न्यूज़ है इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे हम लोग. देखिए महाराणा प्रताप जयंती इज ऑब्जर्व ऑन जून 6 मतलब कल की बात करें, महाराणा प्रताप जयंती को सेलिब्रेट किया गया. ये महाराणा प्रताप की 479th बर्थ एनिवर्सरी है. महाराणा प्रताप की 479th बर्थ एनिवर्सरी है 6 जून, महाराणा प्रताप जयंती, याद कर लीजिएगा. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहली न्यूज़ अच्छी, ठीक है. दूसरी बात, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स हैव प्लान टू कैरी आउट गरुण. गरुण एक एक्सरसाइज है, एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, जो कि फ्रांस में होगा 1 जुलाई. इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स मीन्स इंडिया और फ्रांस, एक डिफेंस एक्सरसाइज गरुण की बात हो रही है, जो कहां पर होगा, फ्रांस में होगा, 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो ये आज की दूसरी न्यूज है, याद कर लीजिएगा. तीसरी न्यूज, फोर्ब्स मैगजीन हैज नेम्ड रिहाना एज द वर्ल्ड रिचेस्ट फीमेल म्यूजिशियन. मे बी आपने शायद रिहाना के सॉन्ग सुने होंगे, मैंने तो सुने हैं. तो फोर्ब्स ने बताया है कि रिहाना विश्व की सबसे रिचेस्ट फीमेल म्यूजिशियन है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकता है. चलिए तो तीन न्यूज़ तो हो गई, आगे बढ़ते हैं चौथी न्यूज़ की बात करते हैं. सुनील छेत्री जो कि इंडियन टीम के कैप्टन हैं, वो इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले फुटबॉलर बन गए. इन्होंने भाईचिंग भूटिया के 107 मैच का रिकॉर्ड तोड़ा है और इन्होंने इंडिया की तरफ से 108वां मैच खेला है. सुनील छेत्री की बात कर रहे हैं, 108 मैच, याद कर लीजिएगा. यहाँ पर देखिए सुनील छेत्री की हम बात कर रहे हैं, 108 मैचेस ये खेल चुके हैं, भाईचिंग भूटिया का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है. तो ये न्यूज़ आपके सामने यहाँ पर हमने दे दी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, याद कर लीजिएगा, ठीक है. आज की चौथी न्यूज़ जो आपको हमने दी, आगे बढ़ते हैं. लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च डिजिटल शक्ति इन तमिलनाडु. तो एलएनटी ने तमिलनाडु में डिजिटल शक्ति नाम का एक सर्विस लॉन्च किया है, आइए इसके बारे में बात करते हैं.
L&T Financial Services Digital Shakti was launched in the Tamil Nadu. Tamil Nadu mein kahan par? Tamil Nadu mein Villupuram district mein. Iska objective hai mahilaon ko financial literacy provide karna, mahilaon ko financial knowledge provide karna taki hamare desh mein financial inclusion badhe. To Digital Shakti L&T Tamil Nadu aur Villupuram itna aapko learn karna hai. To ye hamari aaj ki 5vi news jo humne aapko yahan par di. Aage badhte hain. निर्मला सीतारमण जी की बात करते हैं. निर्मला सीतारमण जी G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग के लिए जापान जा रही हैं. जापान क्योंकि आपको बताया कि 2019 का जो आपका G20 समिट है वो कहां पर होगा? जापान में होगा. आइए देखिए. तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी विल अटेंड द 2-डे मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर इन जापान. इनके साथ ही साथ कौन होंगे? शक्तिकांत दास जी भी होंगे. और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की ये पहली यात्रा है, ये पहला इवेंट होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ठीक है, कहां पर? जापान में. जापान में क्यों? क्योंकि जापान में G20 2019 की समिट होने वाली है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सट्रैक्ट में आपको नेक्स्ट न्यूज पे लेके आते हैं. देखिए, दजको वैली नागालैंड बिकम प्लास्टिक फ्री जोन ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पर नागालैंड की एक जगह है दजको घाटी वैली, उसको प्लास्टिक फ्री जोन घोषित कर दिया गया है. देखिए यहां पर, In Nagaland, the scenic Dujko Valley has become plastic-free zone on the occasion of World Environment Day. तो ये दजको वैली कहाँ पे है ये आपको लर्न कर लेना है. और नागालैंड में एक एसोसिएशन है, साउदर्न अंगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन सायो, उसने ये काम किया है. तो सायो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, तो ये देख लीजिएगा. ठीक है, तो ये स्टैटिक पॉइंट भी बन सकता है कि भाई दजको घाटी कहाँ पर है, नागालैंड में है, तो ये भी याद कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए न्यूज़ नंबर 5 की बात करते हैं. तो एक्ट्रेस शीला विंस प्रेस्टीजियस जेसी डेनियल अवार्ड की बात कर रहे हैं. आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको हम यहाँ पर दे सकते हैं. देखिए, तो वेटरन एक्ट्रेस शीला वॉज चूजन फॉर द प्रेस्टीजियस जेसी डेनियल अवार्ड. देखिए, इट इज़ द केरला गवर्नमेंट हाइएस्ट ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा. तो मलयालम सिनेमा में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए केरला गवर्नमेंट का ये हाइएस्ट ऑनर है. जो किसको मिला है? वहाँ की एक एक्ट्रेस हैं शीला, उनको मिला है. तो ये बस याद करना काम है आपका, इतना ही पढ़ना है आपको. ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें. तो उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर प्रकाश पंत का निधन हो गया है. उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत का निधन हो गया है. ऑबिट्रीज का एक पॉइंट आपके लिए हम लेकर यहां पर आए हैं. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड प्रकाश पंत पास्ड अवे इन द US वेयर ही वॉज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट फॉर द लंग एलिमेंट. ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको कि क्या है. उत्तराखंड के हम प्रकाश पंत जी की बात कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका निधन हो गया, बड़े दुख की बात है. और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, तो ये तो आपको पता ही है. ठीक, आगे बढ़े और एक्सट्रैक्ट में नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं. तो इंडिया टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम चांदीपुर इन ओडिशा. तो अभी रिसेंटली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण इंडिया ने किया है ओडिशा के चांदीपुर से. तो ये भी देख लीजिएगा. देखिए, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम चांदीपुर इन ओडिशा. आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि अभी रिसेंटली इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया? तो चांदीपुर ओडिशा से किया. ब्रह्मोस इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन DRDO एंड NPOM. NPOM का मतलब है ये रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी फर्म है रशिया की, तो इन लोग का एक ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस जो बनाया गया. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 8 की बात करते हैं. तो रिनाउड साइंटिस्ट एंड साइक्लोन वार्निंग स्पेशलिस्ट, इनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा, वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ बने हैं मृत्युंजय मोहपात्रा. ये देख लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा, इनका नाम याद कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे. तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया की ग्रोथ रेट को 7.5% रहने को प्रोजेक्ट किया है. आगे दिखाते हैं कौन सी रिपोर्ट है ये. द वर्ल्ड बैंक रिटेन्ड इट्स फोरकास्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ रेट एट 7.5% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. मतलब 2019-20 के जो वित्त वर्ष है उसमें वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ रेट को 7.5% प्रोजेक्ट किया है. वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ. तो वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट में इंडिया की ग्रोथ रेट को 7.5% फोरकास्ट किया है फॉर 2019-20. ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा.
ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब भावनाओं को समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा लाइट में, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सीएजी जो हमारे देश के कॉम्प्ट्रोलर जनरल हैं, राजीव महर्षि इलेक्टेड एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ फॉर डब्ल्यूएचओ, तो डब्ल्यूएचओ के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं राजीव महर्षि, जो कि हमारे देश के सीएजी हैं। देखिए यहाँ पर तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राजीव महर्षि हैज बीन इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं राजीव महर्षि। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है, इतना आपको पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है केवल आपको। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े और एक यहां पर एक क्वेश्चन है, अब चलो क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, विच एप्लीकेशन इज स्पेशली डिजाइन फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू रिकॉर्ड एंड शो योगा इवेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंटरनेशनल योगा डे पर कौन से एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं ये आपको बताना है। तो मैंने आपको एक तो पढ़ाया है योगा लोकेटर, लेकिन मैंने आपको भुवन एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया था। भुवन एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जो मतलब मैपिंग के थ्रू ये एप्लीकेशन है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। योगा लोकेटर तो लॉन्च हुआ ही है और भुवन एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, इंडियन आर्मी कमीशन्ड विच सिस्टम एंड एयर क्वालिटी मॉनिटर एट फोर्ट विलियम एज द पार्ट ऑफ द गो ग्रीन इनिशिएटिव, ये आपको बताना है। ये और ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ, अगर आपको ये भी बताओ तो ये बता दीजिए। मैंने हालांकि पढ़ाया आपको, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा कॉन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम CAAQMS, इंडियन आर्मी ने। अब फोर्ट विलियम कहाँ पे, ये कमेंट में जरा मुझे बताइए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, कमेंट चेक कर रहा हूँ आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा कोलकाता, अंकिता पॉल ने बोला कोलकाता, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ विच पर्सन एज चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको एज अ चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है, तो इनका आंसर क्या है, राकेश मखीजा, ऑप्शन नंबर ए, राकेश मखीजा इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द पौंडुचेरी असेंबली। मैंने अभी आपको रिविजन कराया, पौंडुचेरी असेंबली के नए स्पीकर कौन अपॉइंट हुए हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इनका नाम क्या है, VP शिवा कुलंदू, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, विच स्टेट टू होस्ट 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन 2020। कल मैंने आपको ये न्यूज़ पढ़ाई थी, इसका आंसर होगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP कैबिनेट पासेस रिजोल्यूशन टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर OBC टू हाउ मच परसेंट। तो मध्य प्रदेश सरकार ने OBC का जो रिजर्वेशन है वो कितना परसेंट बढ़ाने की बात बोली है, पहले 14% था, इसको बढ़ा के 27% की बात बोली गई है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 2019 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी इस बार की, ये आपसे पूछी गई है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीट एयर पॉल्यूशन। तो बीट एयर पॉल्यूशन इज राइट आंसर। आगे बढ़े और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फर्स्ट आर्कटिक ट्रेन सर्विस वॉज लॉन्च बाय विच कंट्री। पहला आर्कटिक ट्रेन सर्विस कहाँ लॉन्च हुआ, ये आपसे किस देश ने लॉन्च किया ये आपसे पूछा गया है, रशिया, जापान, चाइना, जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रशिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ज्वाइंट हैंड विथ BMW टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। गाइस, कुछ न्यूज़ ऐसी जो हम कवर नहीं कर पाते वो हम MCQ में जरूर कवर करते हैं, इसलिए सीरियसली से पढ़ा करिए। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जगुआर लैंड रोवर। मजे की बात यह है कि टाटा ग्रुप ने यह साइन किया है BMW से एग्रीमेंट, तो जगुआर लैंड रोवर ये टाटा के अंडर में आता है, आपको ये पता है शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमा गुहा ठकुरता हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द वेटरन एक्ट्रेस ऑफ विच रीजनल सिनेमा। रूमा गुहा की हम बात कर रहे हैं, इनका भी निधन हो गया, तो ये किस रीजनल सिनेमा की एक्ट्रेस हैं ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बंगाली, ऑप्शन नंबर बी, बंगाली इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट हैज गॉन मिसिंग विथ 13 पीपल ऑन बोर्ड ऑन June 3। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है और ये एयरक्राफ्ट मिल नहीं रहा है, सब लोग लगे हुए हैं लेकिन ये मिल नहीं रहा है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एयरफोर्स AN-32। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
The government has fixed the price of sovereign gold bond series 1 for 2019-20 at rupees what amount per gram. तो गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपको पता होगा, तो गोल्ड बॉन्ड खरीदने का जो प्राइस है वो पर ग्राम कितना गवर्नमेंट ने फिक्स किया है इस बार, ये आपसे पूछा गया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज 3196 रुपए. 3196 रुपीज. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो हु हैज बीन नेम्ड एज डिप्टी चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आफ्टर एयर मार्शल राजीव सचदेवा. तो इसमें से कौन हमारे देश के डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बने हैं, ये आपको बताना है. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू. लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द कंट्री विच हैज लॉन्च अ स्पेस रॉकेट फ्रॉम द सी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये मैंने आपको बताया था, क्या इसका आंसर होगा? ये तो पढ़े हैं आप आज ही. इसका आंसर होगा चाइना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2019 इन इंडिया. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर बताना है, क्या इसका आंसर होगा. इसका आंसर क्या होगा? योगा फॉर हार्ट. योगा फॉर हार्ट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. खगड़ प्रहार एंड एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स कंक्लूडेड इन विच स्टेट. तो खग प्रहार एक एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, वो किस स्टेट में हो रहा है ये आपसे पूछा गया है. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर सी. पंजाब इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आर रिसीव बाई इंडियन रेलवेज फ्रॉम BHEL. तो कितने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को रिसीव किया है इंडियन रेलवे ने फ्रॉम BHEL, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा. देख लीजिए, एंड द राइट आंसर इज 25 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अजय कलमा वॉज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. अजय कलमा जो है ये एक प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट हुए किस स्टेट के, ये आपसे पूछा गया. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर. आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. ICICI प्लान टू लॉन्च अ सेंटर इन दिस सिटी टू प्रोवाइड हैसल फ्री सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड स्टार्टअप. तो आंसर करें गाइस, क्या इसका आंसर होगा. देख लीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं आज. इसका आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. बेंगलुरु इज राइट आंसर. और आज का लास्ट क्वेश्चन. हु वॉन ITF मेन्स फ्यूचर टेनिस टाइटल. ITF मेन्स फ्यूचर टेनिस टाइटल किसने जीता है, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिद्धार्थ रावत, ऑप्शन नंबर सी. तो गाइज, मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको दे दिए, काफ़ी न्यूज़ दे दी. अब ये रहा हमारा PDF, आप देख लीजिए, कमेंट में मिल जाएगा आपको. और आपसे हम मिलेंगे 3:00 पर फॉर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास के लिए. तो मिलते हैं आपसे वहां पर, बातें करते हैं आपसे और देखते हैं कि इंश्योरेंस आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए. जिद है तो जिद है, भूलिए मत. थैंक यू सो मच.